वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम जा रहे हैं काफ़ी फेमस जगह। सो वो जगह है हमारे घर से थोड़ा ही दूर है और वो काफ़ी फेमस मंदिर भी है और उसका नाम है डोखर। सो अभी इस ब्लॉग में मैं पूरा अपना शुद्ध मैथिली भाषा में बोलने वाला हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी इरिटेट हो या आप समझ ना पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। सो ये वीडियो रहेगा और इस वीडियो का जो वॉइस है मैं म्यूट कर दूंगा एंड इसमें जो है मैं वॉइस ओवर करके हिंदी में बोल दूंगा, तो वो वाला भी ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। सो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे शुरू करते हैं। अगर अहाँ सबके हमारे नया ब्लॉग में हम चितेश और हम जा रहे छी अपना गाँव से कनिकवे दूर छे डोखर स्थान। और अहाँ सबके बारे में तब पता है हैत कि डोखर काफ़ी फेमस जगह छे और बहुत मतलब बहुत दिन से एक दो आदमी हमारा कहने हो चले था अपने गांव के आसपास के चले था से हमारा कहल कि कंटेंट तो बहुत बढ़िया बन रहा है, तो हम जा रहा छी आए अहाँ सबके ब्लॉग में देखने के लिए। हमरा लागै कि जे अहाँ सबके वो ब्लॉग काफ़ी अच्छा लागल। सो फिलहाल अखन हम तैयार भ गेल छी, बस नहा लेल छी, केश तेश सीटवाक छै और विदा भ जेबाक छै। पहिले कैमरा एक्सेसरीज लऽ लै छी। अभी तक कैमरा में सिंपल माइक से रिकॉर्डिंग हो जाए और ये ट्राइपोड है से अहाँ सब तो ब्लॉग देखिए लेने अभी ट्राइपोड अनबॉक्सिंग वाला तो अहाँ सबके पता है हैत। जल्दी से हम अपन कैमरा ट्राइपोड सब एक्सेसरीज अपन बैग में ले छी और चले छी। और हम एखन जे छै अकेले नहीं जा रहा छी और हमरा संगे काफ़ी हमर एकटा मित्र छथि, सहयोगी मित्र जे हमरा संग बराबर रहै छथि और अहाँ के हम बता देब कि के हमर मित्र छथि। इंस्टाग्राम पर हम स्टोरी डाल देब और जे अहाँ चूज करबे जे अहाँ ज़्यादा पसंद करबे और वह अगर निकल गए तो चलो मान लेब हम वह, लेकिन हम बाद में रियलिटी बता देब के छले था हमर साथ। हमरा पता है अहाँ सबके हमर डॉक्यूमेंट्री वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे क्योंकि हमर नॉर्मल ब्लॉग जो रहे छे ओहिमे अहाँके मुश्किल से 3 दिन में 4 दिन में 100 क्रॉस करे व्यू और हमर जे डॉक्यूमेंट्री वीडियो रहे मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा में 100 क्रॉस करे टाइम नहीं लगे और छोटा छोटा जो स्टोरी स्टेटस जो है 2000 में अहाँ सबके आशीर्वाद से चल गए तो धन्यवाद। हम अभी पूरा तैयार भ गए छी, बस हमर दोस्त जे छथि वो एता और हम सब विदा भ जाए। कैप तैप लगा लें क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा छे और कनी देर पहले हम गाड़ी के साफ कलूँ तो कनी मनी हाथ में जैसे ग्रीस सब लागल वो सबके नज़रअंदाज करें हम विदा भ रहा छी। अभी जस्ट गाड़ी धोला के बाद काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है और गाड़ी में हम काल्हे जे छै ना तेल तेल डला देने छलहुँ, बस अपन दोस्त के लेबे आब निकलबे। सो चलू बस निकल रहा छी। हम अखन अपना घर से विदा भ गेलहुँ हैं एंड अभी निकल रहा छी, बस चौक पर हमर दोस्त हमरा संग आबि जता हम विदा भ जाए बस। Guys, अभी भैया ड्राइव कर रहे हैं एंड मेरा दोस्त ही है, भैया सब बराबर चलता है। सो फिलहाल मैं पीछे में बैठ चुका हूँ एंड गाड़ी अपनी नॉर्मली इतना ही स्पीड में जा रहा हूँ एंड ये वैसे हाईवे तो भैया वैसे हाईवे तो है उड़ाने वाला, लेकिन फिर भी गाइस रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो भैया काफ़ी स्मूथली चला रहे हैं, उनको चलाने देते हैं। फिलहाल मैं बैठा हूँ तो काफ़ी अच्छा है। अगर हम वैसे पीछा हुआ सीट पर ये शायद से गाड़ी चला रहे थे और जैसा जैसे लगभग लगभग आधो रास्ता में मिला है और काफ़ी बढ़िया चला रहा है। फाइनली फाइनली हम आबि गए छी डोखर स्थान और बस गाड़ी तक पार्क कर देने छी और दोस्त अखन गए थे हमारे वॉशरूम तो हुनका साथ है चलवा छी, तो कनी देर में एथिन तक फिर चलब साथे विदा में। चोड़ा,
ई अछि डोकहर के राजेश्वरी मंदिर और हम आयल छी और हमर दोस्त आयल छथि से तऽ अहाँके पता अछि और भीड़ काफी ज्यादा छै तऽ बाहरो मे अहाँके ठेला सब लागल छै ओतहियो दुकान दौरी लागल छै तऽ फिलहाल अभी अंदर जाके गोर लागै छी माता के और पूजा के सामग्री सब हम अपन घरे से लऽ लेने छलहुँ हैं और ऐसे तालाब छै मंदिर के तऽ तालाब में तऽ अखन गंदगी टाइप के कनी हल्का लागि रहल अछि और ओ घाट अछि अहाँके तऽ चलू जल्दी से अपन आबि रहल छी पूजा सुचारू रूप से कऽ के बाहर आबै छी। पूजा करे के लेल सबसे पहले अहाँके पैर धोअ पड़ै छै तऽ पैर धो कऽ चलै छी मंदिर के अंदर पैर धो लेने छी बस विदा भऽ रहल छी अंदर के लेल। ई छै अहाँके दोपहर के राजेश्वरी मंदिर जाहिमे गौरी शंकर पार्वती विराजमान छथिन और ई मंदिर एते विशाल कनिक छै जे हम एकरा अल्ट्रा वाइड में शूट करऽ पड़ैए और ई मंदिर जे छै ई मंदिर के बहुत पुराना हिस्ट्रियो छै सो फिलहाल अहाँके हम चारू कात से देखा रहल छी और ओहिमे किछु बोर्ड लागल छै दान पेटी वाला सब। और यहाँ पे हम एखन मंदिर के अंदर प्रवेश कऽ चुकल छी और अंदर से लुक किछु एहन लागे देखे मंदिर के चलू अंदर चल रहल छी या बस यहाँ पे पानी बहुत गिरल छै तऽ स्लिप कऽ रहल छै मंदिर के ऊपर से तो हाइट बहुत ज्यादा छै और एना तऽ जल जमाव लागल अछि फोटो अच्छा लऽ रहल छी मंदिर किछु अंदर से देखे में एहन लागि रहल अछि एहन स्वरूप छनि माता के और जहाँ तक बात छै कि जे माता तऽ मेन ई भऽ गेलखिन और शायद लगे शिवलिंग एतऽ विराजमान छलखिन लेकिन शिवलिंग के अखन किछु अता पता नहि चलि रहल अछि कियाकि पानी ज्यादा होय के कारण अखन चलि रहल छी इमहर घुमै के लेल। सबके हम जे छै अखन पूरा मंदिर देखा देलहुँ हैं और मंदिर जे छै काफ़ी सुंदर छै और जहाँ तक रहलै बाहर के बात तऽ बाहर देखेला के बाद हम उमरे से उमरे निकलि जायब और किछु खाना पीना उमरे कनी खा कऽ तहन चलि जायब हमर दोस्तो बाहरे चलि गेल छै तऽ फिलहाल अहाँके बाहर के सीन देखा कऽ ब्लॉग खत्म कऽ दै छी। आब पीछा वाला भाग छै जे जंगल मे परिवर्तित छै अखन और मेन मंदिर तऽ ई रहल अहाँके और जहाँ तक बात छै कि जे इमहर ई मार्केटिंग एरिया छै और इमहर अहाँके लोग सब फूल माला प्रसाद सब खरीद खरीद कऽ भगवान के चढ़बै छथिन और की देखऽ एखन इमहर तऽ देखिए रहल छियै हालत। फाइनली एखन हम जे छै मंदिर के पूरा शूट कऽ कऽ आबि गेलहुँ हैं और किछु अपन नाश्ता कऽ कऽ एंड गाड़ी तऽ खड़ा अइ तऽ गाड़ी से जल्दी से चलि जायब। फिलहाल अहाँके ई ब्लॉग पसंद आयल हैत अगर पसंद आयल तऽ लाइक करब चैनल के नए आयल छी तऽ सब्सक्राइब करब और जल्दी भेटे छी अहाँके अगला ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय। फाइनली मैं अभी घर पे आ चुका हूँ एंड आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं जब इंटरमीडिएट में था और अभी तो नहीं हूँ अब तो ग्रेजुएशन में चला गया हूँ और उसका तो रिजल्ट कब का नहीं आ गया लेकिन मौका नहीं मिला आपसे बात करने का सो अभी बात कर रहा हूँ। जस्ट सो ही रहा था फिर याद आ गया कि जो आप लोगों को गुड न्यूज़ देना ही है। तो मैं इंटरमीडिएट में सेकेंड डिवीज़न से पास हो चुका हूँ गाइज और शायद 50 के आसपास परसेंटेज होगा तो परसेंटेज मैंने निकाला नहीं है आकलन करके बता रहा हूँ अप्रॉक्स 50 के आसपास होगा। सो फिलहाल ये गुड न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया एंड इस ब्लॉग को अभी यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद है तो लाइक करना चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय।